सभी बच्चों का स्वागत एक बार फिर से मेरी क्लास में तो आइए बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास सेवन साइंस का सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एनिमल्स में पोषण यू हैव लर्नड इन चैप्टर वन आपने चैप्टर वन में पढ़ा दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर आउन फूड कि प्लांट्स अपना स्वयं का भोजन बना सकते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बट एनिमल्स कैन नॉट लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर सकते एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स अपना भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट्स प्लांट से इधर डायरेक्टली by ईटिंग प्लांट्स या तो सीधे तौर पर प्लांट्स को खा करके और indirectly by ईटिंग एनिमल्स या अपरोक्ष रूप से उन जानवरों को खा करके दैट ईट प्लांट्स जो पौधों पर निर्भर होते हैं या पौधों को खा करके जिंदा रहते हैं सम एनिमल्स ईट बॉथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो दोनों ही चीज़ों को खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं रिकॉल याद कीजिए दैट ऑल इंक्लूड इंक्लूडिंग ह्यूमस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी याद कीजिए कि सभी जीव जो होते हैं उनमें मानव भी शामिल हैं सभी को भोजन की जरूरत होती है किसके लिए भोजन की जरूरत क्यों होती है सभी को फॉर ग्रोथ एक तो वृद्धि के लिए रिपेयर यानी शरीर के अंगों की टूट फूट की मरम्मत के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी यानी बॉडी फंक्शन के लिए एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें शामिल है एक तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एक तो पोषक तत्वों की जरूरत मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड भोजन ग्रहण करने के तरीके एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और भोजन का शरीर में यूटिलाइजेशन यू हैव स्टडीड इन क्लास सिक्स दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स आपने कक्षा छः में ये भी पढ़ा कि फूड के फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं यानी भोजन के बहुत सारे अवयव होते हैं ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो उन भोजन के अवयवों को याद कीजिए उन कंपोनेंट को याद कीजिए और नीचे लिस्ट में लिखिए तो देर आर सिक्स फूड कंपोनेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स मिनरल्स विटामिन एंड वाटर तो देर आर सिक्स फूड कॉम्पोनेंट्स द कम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज़ कार्बोहाइड्रेट्स फूड के जो कम्पोनेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेज ये बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं दीज कॉम्प्लैक्स सबस्टेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच और इन कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेज को हमारी बॉडी जिस अवस्था में ये होते हैं उसमें ग्रहण नहीं कर सकती उसमें यूटिलाइज नहीं कर सकती सो दे आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सबिस्टेंसेज इसलिए ग्रहण करने के लिए इनको कुछ सिंपलर सबिस्टेंसेज के अंदर तोड़ दिया जाता है कुछ आसान पदार्थों में इनको तोड़ दिया जाता है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्पोनेंट्स ऑफ फूड तो फूड के यानी फूड के जो कॉम्प्लेक्स कम्पोनेंट्स होते हैं उनका जो ब्रोकडाउन है इनटू सिंपलर सबिस्टेंसेज आसान पदार्थों में इस कार्ड डाइजेशन इसी प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं यानी पाचन की क्रिया कहते हैं अब देखिए टू पॉइंट वन डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी भोजन ग्रहण करने के जो तरीके होते हैं आ, शरीर के अंदर वो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के होते हैं बीज एंड हमिंग बर्ड्स जैसे कि बीज होती हैं मधुमक्खियाँ और दूसरे जो हमिंग बर्ड होते हैं वो सक द नेगटार ऑफ प्लांट्स ये जीव भोजन कैसे ग्रहण करते हैं वो प्लांट्स में से नेक्टार को सक करते हैं यानी फूलों का पेड़ों का रस चूसते हैं इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स इसके अलावा ह्यूमस के जो इन्फेंट होते हैं जो शिशु होते हैं और दूसरे जानवरों के जो बच्चे होते हैं फीड ऑन मदर्स मिल्क ये अपनी माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं स्नेक्स लाइक द पाइथन इसके अलावा जो सांप होते हैं जैसे कि जैसे कि पाइथन है यानी अजगर है ये क्या करते हैं स्वेलो द एनिमल्स ये उन जानवरों को स्वेलो कर जाते हैं निगल जाते हैं दे प्रे अपॉन जिनको ये खाते हैं सम एक्वेटिक एनिमल्स कुछ ऐसे जलीय जीव होते हैं फिल्टर टिनी फूड ये टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई ये पानी में आसपास तैरते हुए फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं एंड फीड अपॉन देम और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं एक्टिव टू पॉइंट वन वाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ़ फीटिंग्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कुछ नीचे जानवरों के नाम हैं उनके टाइप ऑफ फूड यानी वो किस तरह का भोजन लेते हैं एंड मोड ऑफ फीडिंग और किस तरह ग्रहण करते हैं ये आपको बताना है राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल और अपने ऑब्जर्वेशंस को नीचे दी गई टेबल में आपको लिखना है यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ़ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो हेल्पफुल आपके नीचे टेबल टेबल के नीचे आपके लिए कुछ जो है मोड्स ऑफ फीडिंग दे रखे हैं आपकी सहायता के लिए जैसे कि ये एनिमल्स नए हैं इनकी किस तरह का भोजन लेते हैं काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ़ फीडिंग क्या है इनकी और मोड ऑफ़ फीडिंग यहाँ पर दे रखिए नीचे ये मोड ऑफ़ फीडिंग यहाँ पर दे रखी है स्क्रैपिंग च्यूइंग सीफोनिंग कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग स्पॉन्जिंग सकिंग ई टी सी डाइजेशन इन ह्यूमन्स अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानवों में पाचन कैसे होता है वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ तो आप सभी जानते हैं कि मुँह के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट और फिर वो पेट में जा कर के डाइजेस्ट होता है और उसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड और फूड के जो अनयूज पार्ट होते हैं अनुपयोगी जो हिस्से होते हैं आर डेफिकेटेड उनको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है हैव यू एवर वंडर्ड क्या कभी आपने आश्चर्य किया है कि भार्ट है पंस टू द फूड इन साइड द बॉडी शरीर के अंदर जो भोजन हमने लिया है उसका क्या होता है द फूड पासेज थ्रू ए कंटिन्यूस कैनल फूड जो है मुँह से लेकर के नीचे आ, एक कंटिन्यूस कैनल में होकर के गुजरता है एक लगातार चलती हुई नली में से होकर के आगे बढ़ता है विच बिगिनस एट द वोकल कैविटी वो हमारी मुख गुहा से शुरू होती है एंड एंड्स एट द एनस और एनस पर जा कर के ख़त्म होती है द कैनल कैन भी डिवाइडेड कैनल को डिवाइड किया जा सकता है इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स विभिन्न हिस्सों में अब ये कौन कौन से कंपार्टमेंट है हमारी कैनाल के तो पहला है ब्यूकल केविटी यानी मुख गुहा इसके अलावा फुट पाइप जिसको हम आहार नली कहते हैं और ऐसो फेगस कहते हैं इसके अलावा फिर थर्ड है स्टोमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत एंडिंग इन द रेक्टम और ये इसके अलावा फिर रेक्टम है और सिक्स पार्ट है द एनस इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ क्या ये एक लंबा रास्ता नहीं है बिल्कुल है दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल ये सारे पार्ट मिलकर के एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कम्पार्टमेंट्स जैसे जैसे भोजन अलग अलग कम्पार्टसमेंट्स में होते हुए गुजरता है तो धीरे धीरे उसका डाइजेसन होता है यानी धीरे धीरे वो पछता हुआ जाता है द इनर वॉल्स आंतरिक जो दीवारें होती है ऑफ द स्टोमक पेट की एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन की और छोटी आंत की एंड द वेरियस ग्लैंड्स और बहुत सारी ग्रंथियाँ एसोसिएटेड विद द कैनाल जो हमारी कैनाल में जगह जगह एसोसिएट होती है सच एज सेलिवरी ग्लैंड्स जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड्स है यानी लार ग्रंथियाँ द लीवर इसके अलावा यकृत एंड द देंट्रिया अग्नाशय सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ये सारी ग्रंथियाँ जो है डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है यानी पाचक रस स्त्रावित करती है द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट अब ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेज को जटिल पदार्थों को ऑफ फूड भोजन के इनटू सिंपलर वंस आसान पदार्थों में द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके अलावा जो उनमें लगी हुई जो ग्रंथियां हैं टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब मिल के डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं नाउ लेटेस्ट नो अब हमको ये जानना है कि भार्ट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी अलग अलग जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स है वहाँ क्या घटनाएं होती है हमारे भोजन के साथ द माउथ एंड द ब्यूकल कैविटी यानी सबसे पहले हम भोजन को हमारे मुंह में रखते हैं फिर वो मुख गुहा में होता हुआ नीचे चला जाता है तो हमारे मुंह में और ब्यूकल कैविटी में क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे फूड इज़ टेकन इन टू द बॉडी भोजन लिया जाता है शरीर के अंदर थ्रू द माउथ माउथ के द्वारा यानी माउथ में होकर के द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है इन टू द बॉडी बॉडी के अंदर इज कार्ड इंजेसन उसे इंजेसन कहते हैं वी च्यू द टीथ सबसे पहले मुंह में जब भोजन जाता है तो हम दांतों से उसे काटते हैं एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इन टू स्मॉल पीसेस और उसे यांत्रिक रूप से हम ऐसा मानते हैं कि दांतों से उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं ईज टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट शॉकिट इन द गम्स प्रत्येक दांत हमारे मसूलों के सॉकेट में लगा हुआ होता है अलग अलग लगा हुआ होता है फिगर टू पॉइंट थ्री में आप देख सकते हो आवर टीथ वेराई इन एपीएंस हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस और प्रत्येक दांत का जो फंक्शन है जो काम है वो भी अलग अलग तरह का होता है अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स और अलग अलग तरह के काम के अनुसार ही उन दांतों के नाम भी अलग अलग हैं अब देखिए आप एक्टिविटी टू पॉइंट टू वॉश योर हैंड्स अपने हाथों को साफ़ कीजिए लुक इन टू द मिरर काँस के अंदर देखिए एंड काउंट योर टीथ और अपने दांतों को गिनिए. यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ्स आप अपनी तर्जनी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं दाँतों को फील करने के लिए हाउ मनी काइंड ऑफ टीथ कोड यू फाइंड आप कितने तरह के दाँत देख सकते हो टेक ए पीस ऑफ एन ऐपल और ब्रेड एक ऐप्पल का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा लीजिए एंड ईट इट और उसे खाइए बिच टीथ डू यू यूज़ फॉर वाइटिंग एंड कटिंग और आप पता लगाइए कि कौन सा दांत उस ब्रेड को या एप्पल को जिसको आप खा रहे हो उसको कौन सा दांत काट रहा है एंड बिच वंस फॉर पायरसिंग एंड टीयरिंग कौन सा दांत उसको चीर फाड़ रहा है पायरस और टीयरिंग कर रहा है आल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फिर ये भी आप पता लगाओ कि कौन से ऐसे दाँत हैं जो उस भोजन को चबा रहे हैं और उसे पीस रहे हैं रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू टेबल में आप अपने ऑब्जर्वेशनस को रिकॉर्ड कर लीजिए इसमें जैसे ये टेबल है इसमें तीन तरह के ये फंक्शनस आपको दे रखें और टाइप ऑफ टीथ यहाँ पर आपको बता रखें एक तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ फिर है पायरसिंग एंड टीयरिंग टीथ और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ फिर इनमें आपको लोअर जा और अपर जा दोनों में इनकी संख्या बतानी है और टोटल ये कितने हैं ये आपको बताना है आवर माउथ हैज़ द सालिवरी ग्लैंड्स विथ सेक्रेट सालिवा हमारे मुंह के अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स होती है लार ग्रंथियाँ होती है जो सालिवा यानी लार सीक्रेट करती है स्त्रावित करती है डू यू नो क्या आप जानते हैं कि द एक्शन ऑफ सालिवा ऑन फुट कि सालिवा का फूड के ऊपर क्या एक्शन है लेट अस फाइंड आउट इसको हम पता लगाते हैं एक्टिविटी टू पॉइंट थ्री आप करिए टेक टू टेस्ट ट्यूब्स आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है लेबल देम ए एंड बी उनमें ए और बी लिखना है इन टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या करना है पुट वन टी स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस उसमें एक चम्मच भर के आपको उबला हुआ चावल डालना है इन टेस्ट्यू बी टेस्ट्यू बी में क्या करना है कि वन टी स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर थ्री टू फाइव मिनट्स उसमें तीन से लेके कर पाँच मिनट तक चबाया हुआ उबला हुआ चावल उसमें डालना है यानी उबला हुआ चावल आप पहले चबाइए फिर उसमें बी वाली परख नली में डाल दीजिए एंड थ्री फोर एम एल ऑफ़ वाटर इन बॉथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में तीन से चार एम एल पानी भी आपको डालना है फिगर टू पॉइंट फोर में ये बताया गया है नाउ प्योर टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन हीज टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपको दो से लेकर तीन बूंद आयोडीन की डालनी है और फिर देखना है ऑब्जर्व करना है वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स अब आप देखोगे कि उसमें कलर में चेंज आ गया है टेस्ट ट्यूबों में डिस्कस द रिज़ल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर अपने रिज़ल्ट के ऊपर चर्चा कीजिए अपने क्लासमेट के साथ और टीचर के साथ दालिबा ब्रेक्स डाउन द स्टार्स इन टू अब ये हमको पता लग गया कि सालिबा क्या करती है यानी जो लार है वो क्या करती है इस्टार्स को शुगर में चेंज कर देती है द टंग इज ए फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन जीव एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द ब्यूकल कैविटी। और ये अटैच होती है ब्यूकल कैविटी के निचले फ्लोर से इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन आर डायरेक्शंस जीव का अगला सिरा बिल्कुल फ्री होता है और वो सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है यू नो you know, क्या आप जानते हैं द फंक्शंस ऑफ द टंग टंग के क्या कार्य हैं क्या आप जानते हैं वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग हम हमारी जीव का इस्तेमाल एक तो बोलने में करते हैं बिसाइड्स इसके अलावा इट मिक्सेज सालिवा ये सालिवा को यानी लार को मिक्स कर देती है विद द फूड फूड के अंदर ड्यूरिंग चूंग जब हम भोजन को चबाते हैं उस वक्त एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड और भोजन को निगलने में सहायता करती है वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग इसके अलावा भोजन के स्वाद को भी हम जीव के द्वारा ही जानते हैं इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड जीभ के ऊपर बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स होती है यानी स्वाद कलिकाएँ होती है जो अलग अलग तरह के स्वाद को डिटेक्ट करती है वी कैन फाइंड आउट हम पता कर सकते हैं पॉजिशन ऑफ टेस्ट ट्यूब्स पॉजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स वाई द फॉलोइंग एक्टिविटी नीचे दी गई एक्टिविटी से हम टेस्ट बर्ड्स कहाँ लगी हुई रहती है जीप के ऊपर इसका पता लगा सकते हैं एक्टिविटी टू पॉइंट फोर प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल अलग अलग सैंपल प्रिपेयर करिए ईच ऑफ एक तो शुगर सॉल्यूशन का कॉमन साल्ट नमक का गोल और लेमन जूस इसके अलावा नींबू का गोल और जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बाइटर गार्ड इसके अलावा एक जूस आपको लेना है नीम की पत्तियों का या फिर करेले का ब्लाइंड फॉल्ट बन ऑफ योर क्लासमेट्स

साफ़ टूथ पिक लीजिए टू पुट द अबोव सैंपल्स वन बाई वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंक एज शॉन इन फिगर टू पॉइंट सिक्स यूज़ ए न्यू टूथ पिक फॉर ईच सैंपल प्रत्येक नए सैंपल के लिए अलग अलग टूथ पिक लेनी है आपको और हर सॉल्यूशन की कुछ बूंदें जीव के अलग अलग जगह पर डिफरेंट एरिया में आपको डालनी है फिर आपको क्या करना है आस्क द क्लासमेट अपने कक्षा के साथी से ये पूछना है कि बिच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट यानी जीप के कौन से हिस्से से आपको पता चला मीठे पन का साल्टी पन का श्योर एंड वाइटर सबिस्टेंस है यानी स्वाद जो अलग अलग तरह के होते हैं जैसे मीठा है नमकीन है खट्टा है और कड़वा है तो ये जो स्वाद हैं वो जीप के कौन कौन से हिस्से से आपको पता चला यानी जैसे कि मीठा आपको जीव पर डालने पर कौन से हिस्से पे पता चलता है कड़वा डालेंगे तो वो कौन सा हिस्सा डिटेक्ट करेगा तो इस तरह हर स्वाद को ग्रहण पता लगाने के लिए जीम में अलग अलग पोजीशन पर टेस्ट बर्ड्स होती है नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेवल फिगर टू पॉइंट सिक्स अपने ऑब्जर्वेशन्स को लिख लीजिए रिपीट द एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट दूसरे कक्षा साथियों के साथ इस एक्टिविटी को आप रिपीट करिए द फूड पाइप ऑसोफेगस, अब आहार नाल यानी पहले तो माउथ हमने देखा सबसे पहले माउथ में हम भोजन को रखते हैं फिर वो फूड पाइप में जाता है द स्वेलोड फूड पासेज इन टू द फूड पाइप और ओशोफेगस सबसे पहले मुँह में और मुँह के बाद जो चबाया हुआ भोजन है वो फूड पाइप के अंदर चला जाता है लुक एट फिगर टू पॉइंट टू द फुल पाइप रन्स अलोंग द नेक ये फुल पाइप हमारी गर्दन के सारे सारे नीचे चलता है जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फुल पाइप है फूट ऑशो फेगस ऑशो फेगस का नाम ही फुल पाइप है और ये फिर स्टोमक आ गया आमा से एंड द चेस्ट फूड इज पुस्ट डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वाल ऑफ द फुल पाइप भोजन को नीचे धकेला जाता है फूड पाइप की दीवारों की में जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुसेज द फुट डाउन अब ये नीचे धकेलने की जो प्रक्रिया है जो मूवमेंट है वो फूड पाइप में ही नहीं है बल्कि पूरी की पूरी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है सब जगह यही प्रक्रिया होती है फूड को नीचे धकेलने की फिगर टू पॉइंट सेवन एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टोमक कभी कभी ऐसा भी होता है जब भोजन को हमारी आमा से स्वीकार नहीं करती एंड इज़ वोमिटेड आउट और उल्टी कर दी जाती है रिकॉल द इंस्टेंसेज वेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग उन घटनाओं को याद कीजिए जब आपने कभी उल्टी की खाने के बाद एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट और उल्टी करने के कारणों के बारे में विचार कीजिए डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर इस पर आप अपने माता पिता और टीचर से डिस्कस कर सकते हैं अब अगला कंपार्टमेंट है इस्टोमक यानी आमाशय। द स्टोमक इज जे थिक वर्ल्ड बैग ये जो आमाशय होती है वो मोटी दीवार वाला एक थैला जैसा थैली जैसी रचना है इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटन जे ये बिल्कुल जे के आकार की के होती है एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल की ये सबसे चौड़ी जो है हिस्सा है इट रिसीव फूड फ्राम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इन टू द इस्माल इंटेक्टाइन एट द अदर इसके एक सिरे जो एक सिरा है वो फूड पाइप से जुड़ा हुआ है जिससे ये भोजन आमाशा में जाता है और दूसरा सिरा इस्माल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है और फिर आगे पचने के बाद भोजन फिर दूसरे सिरे से इस्माल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में चला जाता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक इस्टोमक की जो आंतरिक सतह होती है उसमें सीक्रेट्स म्यूकस उस दीवार से बहुत सारे श्राव स्त्रावित होते हैं जैसे म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस इसके अलावा पाचक रस द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक म्यूकस आमासे की आंतरिक सतह की रक्षा करती है द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूट और इसके अलावा ये जो एसिड है वो उन बैक्टीरियाज को मार देता है जो भोजन के साथ साथ अंदर चले जाते हैं एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक और ये आमाशय के अंदर जो है एसिडिक मीडियम बनाए रखता है एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेज टू एक्ट और डाइजेस्टिव जूसेज को कार्य करने में हेल्प करते हैं द डाइजेस्टिव जूसेज ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स और ये जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं यानी जो पाचक रस होते हैं वो प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं इनटू सिंपलर सबिस्टेंसेज आसान पदार्थों में अब आमासे से निकल करके भोजन जाता है इस्माल इंटेस्टाइन में छोटी आंत के अंदर द इस्माल इंटेस्टाइन इज़ इस हाईली कॉइल्ड ये बहुत ही कोइल यानी घूमने यानी घुमावदार गोल गोल घूमी हुई जो है नली होती है एंड इज़ अबाउट सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग और इसकी लंबाई साढ़े सात मीटर लंबी होती है अब ये सीधी रहे तो हमारे पेट में से बाहर आ जाएगी इसलिए गोल गोल पड़ी रहती है इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर छोटी आंत में बहुत सारे स्राव आते हैं फ्रॉम द लीवर एंड द पेंक्रियाज लीवर से और पेंक्रियाज से ये, ये, ये लीवर का मतलब यकृत और पेंक्रियाज यानी अग्नाशय। बिसाइड्स इसके अलावा इट्स वार आल्सो सीक्रेट्स जूसेस यानी छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें होती है उनसे भी पाचक रस निकलते हैं द लीवर इच्छ ए रेडिस ब्राउन ग्लैंड लीवर एक लाल भूरी ग्रंथि होती है सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एबडोमैन ये पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है ऑन द राइट साइड दाई तरफ इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है इन द बॉडी शरीर के अंदर इट्स सीक्रेट्स बाइल जूस ये बाइल जूस सीक्रेट करती है यानी बाइल जूस ना, नाम का जो है पाचक रस साबित करती है दैट इज़ स्टोर्ड इन ए सेक जो एक सेक के अंदर स्टोर होता है कार्ड द गॉल ब्लेडर जिसे गॉल ब्लेडर कहा जाता है पित्ताशय कहा जाता है बाइल जूस का मतलब है पित्त रस द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स अब ये पित्त जो है Uh, कहने का मतलब जो पित्त नाम का जो जूस है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स बसा नाम का जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसको उसके पाचन में द पेंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड पेंक्रियाज यानी अगना से एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि होती है लोकेटेड जस्ट बिलो द ये ठीक स्टोमक के नीचे स्थित होती है आमाशय के नीचे होती है द पेंक्रेटिक जूस यानी अग्नाशयी रस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर असर करता है फैट्स एंड प्रोटीन्स फैट्स के ऊपर भी असर करता है प्रोटीन्स के ऊपर भी असर करता है एंड चेंजेज दैम इनटू टू सिमलर सिम्पलर फॉर्म्स और इनको आसान रूपों में परिवर्तित कर देता है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब कुछ पचा हुआ आधा पचा हुआ भोजन अब वो जो है इस्मॉल uh, इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है वेयर द इंटेस्टिनल जूसेस कम्प्लीट्स द डाइजेशन और यहाँ जो इंटेस्टिनल जूसेज होते हैं यानी आंतों से निकलने वाले जो रस होते हैं वो डाइजेशन को पूरा करते हैं ऑफ आल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड यानी फूड के जितने भी अवयव हैं वो सारे पच जाते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया जाता है सिंपल में साधारण शक्कर में सचेज ग्लूकोज जैसे कि ग्लूकोज होता है फ़ैट्स इनटू फैटी एसिड्स और फ़ैट्स को फैटी एसिड में तोड़ दिया जाता है एंड ग्लाईसेरॉल यानी फैट्स को ग्लाईसोरॉल और फैटी एसिड में तोड़ दिया जाता है एंड प्रोटीन्स इंटू एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में बदल दिया जाता है एब्जॉर्बसन इन स्माल इंटेस्टाइन अब हमारे भोजन के जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाता है यानी उनको उनका अवशोषण होता है द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स अब पचा हुआ भोजन ब्लड वेसल्स के द्वारा अंदर ले लिया जाता है इन द बाल ऑफ द इंटेस्टाइन अब ये ब्लड वेसल्स जो होती है ये कहाँ स्थित स्थित होती है यानी आंतों के आंतरिक दीवारों में दिस प्रोसेस इज कार्ड एब्जॉपन इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं दिस द इनर बाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें होती है, हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। उसमें फिंगर लाइक यानी उंगलियों जैसी हजारों संरचनाएं होती है दीज आर कार्ड बिली इनको बिली कहते हैं सिंगुलर बिलीज कैन यू गैस क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वार्ट द रोल ऑफ बिली यानी बिली का क्या रोल है कुड बी इन द इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के अंदर द बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बसन ऑफ द डाइजेस्ट फूड बिली के द्वारा इंटेस्टाइन का जो आंतरिक भाग का जो एरिया है वो उसका विस्तार हो जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अफसोसन हो सके ईच बिली यूज हैव ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस प्रत्येक जो बिली होती है उसकी सरफेस के चारों तरफ बहुत ही छोटे छोटी रक्त नलिकाएं होती है उनका जाल बिछा रहता है द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स और विली की जो ऊपरी सतह होती है उसके द्वारा पचित भोजन के जो मटेरियल है उनका अवशोषण कर लिया जाता है द एब्जॉर्ब सबिस्टेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड और अवशोषित जो पदार्थ होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उनका परिवहन कर दिया जाता है बाया द ब्लड वेसल्स उन छोटे छोटी रक्त नलिकाओं के द्वारा टू डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग अंगों अंगों तक ऑफ द बॉडी शरीर के यानी शरीर के अलग अलग अंगों तक भेज दिया जाता है उस पचित भोजन को वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सबिस्टेंसेस जहाँ इनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में किया जाता है सच एज द जैसे कि प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी जैसे कि प्रोटीन्स हैं जो शरीर के लिए उसकी जरूरत होती है दिस इज कार्ड ऐसीमिलेशन इसे एसीमीलेशन की क्रिया कहते हैं ग्रहण करने की क्रिया कहते हैं इन द सेल्स कोशिकाओं में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की सहायता से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एंड एनर्जी इज रिलीज और इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो है बनती है ऊर्जा का जो है रिलीज होती है मुक्त होती है

देन इस्माल इंटेस्ट ये जो बड़ी आँत होती है ये लार्ज आ, ये कहने का मतलब जो इस्माल इंटेस्ट है जो छोटी आँत है उससे आकार में चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है इट इज़ अबाउट वन पॉइंट फाइव मीटर इन लेंथ इसकी लंबाई लगभग डेढ़ मीटर की होती है जबकि छोटी आँत की आपने देखा साढ़े सात फिट की है इट्स फंक्शन इज टू एब्जो वाटर इसका जो काम है प्रमुख वो है पानी का अवशोषण करना एंड सम साल्ट्स और कुछ नमक का अवशोषण करना फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड अपचित भोजन से फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से द रिमेनिंग वेस्ट अब ये बचा हुआ जो वेस्ट है पासेज इनटू द रेक्टम रेक्टम में चला जाता है एंड रिमेन्स देयर और वहाँ पड़ा रहता है एज सेमी सॉलिड फेसेज कुछ uh, हल्की अर्ध ठोस अवस्था में द फेसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम और समय समय पर एनस के द्वारा इस फेसल मैटर को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं दिस इज कार्ड इजेशन इसे हम इजेशन की प्रक्रिया कहते हैं यानी शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जिसे हम मल त्याग कहते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स अब तो यह हमने तो मानवों के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया का अध्ययन किया अब देखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी एनि घास खाने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें किस तरह डाइजेशन होता है हैव यू ऑब्जर्व काउज बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या आपने कभी देखा है गाय भैंस और दूसरे घास खाने वाले जंतु चूइंग कंटिन्यूसली वो लगातार चबाते रहते हैं भोजन को इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग उस वक्त भी जब वो चर नहीं रहे एक्चुअली वास्तव में दे क्यूकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टोमक दरअसल होता क्या है कि जब ये चरते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ घास को निगल जाते हैं बिना काटे ही और ये सारा का सारा भोजन स्टोमक के एक पार्ट में जा के इकट्ठा हो जाता है यानी आमाशय के एक और दूसरा पार्ट होता है उसमें जा करके इकट्ठा हो जाता है कार्ड रूमैन जिसे रूमैन कहते हैं हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड यहाँ ये भोजन आधा पछता है एंड इज़ कार्ड कट और उसे कड कहा जाता है बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ और जब ये जानवर आराम की स्थिति में रहते हैं तो ये अध पचा जो भोजन होता है जिसे कड कहते हैं वो आमासे के एक हिस्से से निकल के वापस दोबारा मुंह में आ जाता है इन स्मॉल लम्स छोटे छोटे डेलों में एंड द एनिमल चूज इट और फिर एनिमल उसे चबाता है दिस प्रोसेस इज कार्ड र्यूमिनेशन इस प्रक्रिया को र्यूमिनेशन कहते हैं यानी जुगाली की प्रक्रिया या जिसे कड च्यूइंग भी कहते हैं एंड दीज एनिमल्स आर कार्ड र्यूमिनट्स और ऐसे जानवर जो कट च्यूइंग करते हैं वो जानवर र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज घास के अंदर सेल्यूलोज की भारी मात्रा होती है ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल डी आर ई टी सी जो कट च्यूइंग एनिमल होते हैं जिनको हम रूमिनेंट्स भी कहते हैं जैसे कि डियर uh, है गाय भैंस है इनमें क्या होता है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमैन इनके रूमैन में बैक्टीरिया होते हैं यानी कुछ जीवाणु होते हैं और ये क्या करते हैं जीवाणु हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ ग्लूको सेलुलोज ये सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूम्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज कड च्यूइंग एनिमल्स के अलावा बहुत सारे और भी जानवर हैं और इनके अलावा मानव सेलुलोज को पचा नहीं सकते तो सेलुलोज को कौन से जानवर पचाते हैं सिर्फ कड च्यूइंग एनिमल यानी एनि जुगाली करने वाले जानवर ही पचाते हैं एनिमल्स लाइक हॉर्स रैबिट ई टी सी लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कार्ड केकम बिटवीन द ऑशोफेगस एंड इंटेस्टाइन कुछ ऐसे जानवर जैसे घोड़े हैं रैबिट इत्यादि इनमें एक बहुत बड़ा थैला थैली जैसी आकृति होती है जिसे हम केस कम कहते हैं और ये ओसोफेगस और छोटी आंत के बीच में होती है द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाई द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रजेंट इन ह्यूमन्स और इस जगह पर सेलुलोज का पाचन होता है Uh, कुछ बैक्टीरियाज़ के द्वारा जो इन्हीं जानवरों के पेट में होते हैं और हमारे यानी मानवों के पेट में ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स अब तक आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स तो इसके अलावा जानवरों के अलावा कुछ और छोटे जीव भी होते हैं विच डू नॉट हैव ए माउथ जिनके मुंह भी नहीं होते एंड ए डाइजेशन सिस्टम और उनमें कोई डाइजेशन सिस्टम भी नहीं होता देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड तो ऐसे जानवर किस तरह भोजन ग्रहण करते हैं और कैसे उनको पचाते हैं इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न नीचे वाले सेक्शन में तुम सीखोगे अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके भोजन ग्रहण करने के अब देखिए फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा अमीबा में अमीबा नाम का एक जानवर होता है एक जीव होता है उसमें किस तरह वो फीडिंग करता है और कैसे डाइजेशन होता है अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फाउंड वाटर अमीबा एक सूक्ष्म जीव होता है एक कोश जंतु होता है और ये तालाबों के पानी में मिलता है अमीबा है जे सेल मेम्ब्रेन अमीबा की एक कोशिका जो होती है उसमें कोशिका झिल्ली होती है राउंडेड डेंस न्यूक्लियस गोल और घना न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स और बबल लाइक -like उसमें कुछ रिक्तिकाएँ होती है फिगर टू पॉइंट टेन में आप देख सकते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म और इसके कोशिका द्रव्य में आ, होती है सारी रचनाएं अमीबा कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन अमीबा लगातार अपनी स्थिति और अपने आकार को बदलता रहता है इट पुसेज आउट बन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कार्ड श्यूलोपोडिया और फाल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड ये लगातार एक या दो फिंगर आक जैसी आकृति के प्रोजेक्शंस इसके शरीर में से निकलते रहते हैं जिनको सूलोपोडिया पोडिया कहते हैं और एक तरह से ये फाल्स फीट की तरह होते हैं और ये इसके मूवमेंट इसके मूवमेंट में काम आते हैं और भोजन को पकड़ने में काम आते हैं अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अब चूंकि अमीबा स्वयं ही एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है इसलिए ये जो अपना भोजन लेता है वो भी बहुत ही सूक्ष्म जीवों के रूप में लेता है वेन इट सेंसेस फूड जैसे ही इसको किसी भोजन का आभास होता है अपने आसपास इट पुसेज आउट शुलोपीडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एन गल्फ तो अपने पैरों जैसी संरचनाओं के द्वारा वो घेर लेता है उस भोजन को पकड़ लेता है और उसको निगल लेता है द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल और उस भोजन वो भोजन जो है इसके किसी फूड वैक्यूल के अंदर जो है ट्रैप हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल पाचक रस अचानक से फूड वैक्यूल में होकर के स्रावित होते हैं दे एकट ऑन द फूड वे भोजन के ऊपर किया करते हैं एंड ब्रैकेड डाउन इंटू सिंपलर सबिस्टेंसेज और उस भोजन के जो कॉम्प्लेक्स सबिस्टेंस होते हैं जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको वो आसान पदार्थों में बदल देते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे द डाइजेस्टेड फूज फूड इज एब्जॉर्ब पक्षित भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है द एब्जॉर्ब सबिस्टेंसेज आर यूज फॉर ग्रॉथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन और अवशोषित पदार्थों का उपयोग किया जाता है वृद्धि के लिए मेंटेनेंस के लिए और वृद्धि के मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी एक अमीबा क्या है कि उसका कोशिका का विभाजन होता है तो एक अमीबा से दो अमीबा हो जाते हैं दो से चार तो इस तरह जैसे जैसे भोजन करता है वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता रहता है द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेर्ड आउटसाइड बाई द वैक्यूल इसके अलावा अपचित जो भोजन होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल के द्वारा द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स डाइजेशन की जो मूल प्रक्रिया है और ऊर्जा लेने की जो मूल प्रक्रिया है वो लगभग कमोबे सभी जानवरों में समान है इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाद के चैप्टरों में आप पढ़ेंगे कि किस तरह फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी भोजन का परिवहन कैसे हमारे शरीर में होता है जिसे एब्जॉर्ब किया जाता है अवशोषित किया जाता है हाथों के द्वारा और किस तरह वो अवशोषित भोजन हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है तो ये सारी चीज़ें अगले पाठ में आप पढ़ेंगे ये कुछ की वर्ड्स हैं और यहाँ ये भार्ट यू हैव लर्नड ये इस पाठ की समरी है और ये नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आप हल करिए और आप मेरे चैनल पर डाल सकते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ अब आप ये आपका खूबसूरत पाठ पूरा होता है और अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं तब तक के लिए हैवे नाइस टाइम थैंक यू वेरी मच